आज संडे का दिन है और हर आप हर आदमी की जो क्या होता है कुछ विक्री होती है, तो उसको आप देखो ऐसे टाइम को आपने क्या किया, घर पे ना रह करके आपने बहुत मुश्किल से समय निकाला कि आप यहाँ आए होंगे, ठीक है जी। तो दुनिया की देखो सबसे कीमती चीज क्या है, समय। तो समय को ना गंवाते हुए हम आगे का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा। तो देखो हर आदमी का सपना होता है, हर आदमी का जो सपना होता है वो सपने के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब काम कर रहे तो रॉबर्ट कियोसाकी का आपने कहीं नाम सुना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरे दुनिया को जो है ना चार कैटेगरी में बांटा हुआ है। कितने कैटेगरी में? चार कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। फर्स्ट में एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है। सेकंड में कौन आता है जी? सेल्फ एम्प्लॉय। थर्ड में आता है जी बिजनेसमैन आता है। थर्ड में कौन आता है? बिजनेसमैन। और फोर्थ में आता है जी इन्वेस्टर, ठीक है। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को लेफ्ट साइड में रखा हुआ है जी, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर को राइट साइड में, ठीक है जी। ये लेफ्ट साइड में दुनिया के 95% यानी 95% लोग यहाँ रहते हैं। कितने लोग रहते हैं जी लेफ्ट साइड में? 95% लोग रहते हैं, ठीक है। पर दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है इनके पास। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। और राइट साइड देखा जाए तो राइट साइड में जो है ना ये क्या है, बिजनेस में इन्वेस्टर है। इनके पास जो है ना यहाँ पे दुनिया के सिर्फ 5% लोग रहते हैं, ठीक है जी। पर दुनिया का 95% पैसा होने के पास पैसा होता है, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड में क्या है, इनकी जो है ना जो कोई नौकरी करने वाला जॉब करने वाला आदमी, ये सेल्फ एम्प्लॉय छोटा दुकानदार, ये जो है ना सुबह से मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम कर करके थक जाते हैं, फिर भी इनके जो है ना सपने पूरे नहीं होते। जूते पूरी कर लेते हैं लेकिन ये चाहते पूरी नहीं होती है। और वहीं हम राइट साइड में देखें तो राइट साइड में क्या है, ये बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में ही अपना पैसा लगा रखे है, इन्वेस्ट कर रखे है। ये बिजनेसमैन बड़े बड़े फैक्ट्रिया जो खोल रखे है, 2000-4000 लोगों को जो है लोगों के माध्यम से लोग रखे हुए, तो क्या इनके पास पैसा ही पैसा है, ठीक है। तो यदि हमें अपनी जो है ना अपने सपने पूरे करनी है, अपने चाहतों की जिंदगी जीनी है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट से राइट साइड जाना पड़ेगा। लेफ्ट से राइट साइड जाए बिना भी हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो लेफ्ट से राइट साइड जाने के लिए के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्यांस इंटरनेशनल। उसके लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा? देखिए ये जो हमें अगर हजारों कमाने हैं तो उसके लिए लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और लाखों रुपए कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि यहाँ बिल्कुल नाम मात्र के थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके, ठीक है, आप यहाँ पे आप लाखों नहीं करोड़ रुपए कमा सकते, राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट छूट रहा था थोड़ा सा, इसलिए होता है। पहले हम क्या जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्यांस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे इसकी प्रोफाइल के बारे में। तो यह ऑर्गेनाइजेशन 1995 में शंघाई में शुरुआत हुआ था, ठीक है जी। और 1997 में क्या हुआ, ये वर्ल्ड वाइड
यानी अदर कंट्री में जाने लगी। सिर्फ 2 साल के अंतर्गत क्या होगा, अदर कंट्री में जाने लगी। ठीक है जी। 32 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कंपनी का जो टोटल स्पेशल इकोनॉमिक जो एरिया है, टोटल जो एरिया है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर में। क्या आपने इसके पहले कभी सुना था? मैंने तो कभी नहीं सुना था कि इतनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। तो ये जो 32 किलोमीटर स्क्वायर में कंपनी का जो टोटल एरिया है, ठीक है जी, कंपनी का अपना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। कंपनी का अपना खुद का क्या है, डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, R&D है। इसके अलावा ये जो है कि 1250 प्लस क्या है, साइंटिस्ट है इनके अंदर जो है ना, 1250 प्लस उससे भी ज्यादा साइंटिस्ट और क्या है, डॉक्टर, ठीक है जी। 1200 प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड है, यानी कि 1200 से भी ज्यादा हमारी जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड है। कहाँ, जैसे जिस तरीके की जलवायु है ना, जहाँ जिस तरीके की जलवायु उसके अनुकूल हमारी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके के प्रोडक्ट बना कर देती है, ठीक है। कई चीजें हैं हमारे इंडिया में, वो चीजें कहीं दूसरी अदर कंट्री में नहीं है, वहां जो है यहाँ नहीं है। तो ऐसे क्या है, 1200 प्लस जो है ना प्रोडक्ट है। 600 नेचुरल फूड सप्लीमेंट है वर्ल्ड वाइड। क्या जी, नेचुरल फूड सप्लीमेंट मतलब बिल्कुल नेचुरल, किसी तरीके का उसमें क्या है केमिकल शब्द का मतलब कहीं यूज नहीं हुआ है, ऐसा आप समझ लीजिए। इसको हम न्यूट्रासिटिकल फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। न्यूट्रासिटिकल का नाम आप लोगों ने पता ही होगा, जैसे हमारे फार्मास्यूटिकल उस तरीके से क्या है हमारे न्यूट्रासिटिकल, ठीक है। तो इसी तरीके से 100 से ज्यादा क्या है, एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट, ठीक है, एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट है वर्ल्ड वाइड। एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट का बारे में आप सर आप जानते हो तो बताइए, नहीं तो आगे मैं बताना जारी करूंगा। जानते हैं एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट है, एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मतलब इक्विपमेंट, जैसे हमारे यहाँ अभी मैं BCM मशीन करके आई, ये क्या है हमारा इक्विपमेंट है। इसको क्या करना, आपने सिर्फ उस पर क्या करना, उस पर जैसे हमारे BCM मशीन उस पर आपने क्या किया, आपने 15 मिनट क्या थेरेपी ली, उससे हमारा क्या है शरीर का क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है 15 मिनट के अंदर 72 RPM में, है ना, 72 RPM में आपके का ब्लड सर्कुलेशन हो गया। और साइंटिस्टों को मानना है कि देखिए आपका जो न्यूट्रिशन और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो ना, तो आप ये हम कहते हैं ना 100 या 100 लाइफ, इससे भी अधिक आपकी जो है ना आपकी आयु बढ़ सकती है। तो ये है, तो इस तरीके से क्या है इक्विपमेंट है हमारे पास। जैसे अभी बताए ब्लड सर्कुलेट की मसाज, उसके अलावा हमारे पास पेट के मसाज है, एक हमारे पास आपने हुआ करती थी अभी स्टॉक पे नहीं हो गया, आगे चल के आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे इक्विपमेंट है, ठीक है। तो ऐसे इक्विपमेंट क्या है वर्ल्ड वाइड के अंदर 100 इक्विपमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना 19 देश में कंपनी का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कई लोग कहते हैं ना ये कंपनी आपकी अदर कंट्री की है, ये है दुनिया भर के फलाना ढिकाना लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारी जो है ना, ये एक हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है। इसकी 2-3 जगह मैंने सुन रखा है कि है इसकी अपनी हमारी है, जैसे तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में, कई जगह इसकी क्या है ना फैक्ट्री लगा रखी है कंपनी। तो इस तरीके से क्या है, कहने का भाव ये है कि जो भी प्रोडक्ट है आपका क्या है मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, हमारे अपने घर की, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है 110 देश में कंपनी का अपना क्या है ब्रांच ऑफिस है, 110 देश में अपनी ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। और 190 प्लस देश में कंपनी सफलतापूर्वक काम कर रही है। 190 प्लस देशों में आपको सुन के हैरानी होगी, 190 प्लस यानी कि आज के डेट में 227 कंट्री में जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन सफलतापूर्वक काम कर रही है, ठीक है। और अगर बात करिए तो ये काफी लंबा जो है ना इसका प्रोफाइल है, ठीक है।
ये भी हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिल क्लिंटन हुआ करते थे, बड़ा क्या नाम है उसके अलावा बड़ा ओबामा हुआ करते थे, ये इन लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मंच पे आकर के समय किया हुआ। बहुत सारी लंबी इसकी प्रोफाइल है, मैं शॉर्टकट में आपको इतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी प्रोफाइल है, ठीक है। ये शॉर्टकट में मैंने प्रोफाइल बताया, और इसकी जो है ना इसकी ड्यूटी बताना चाहिए, ड्यूटी यानी किसी